साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म एनटीआर 30 को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। अभिनेता कोराताला शिवा के साथ यह फिल्म कर रहे हैं, जिसे अस्थायी रूप से एनटीआर 30 नाम दिया गया है। अभिनेता की यह बहुप्रतीक्षित पैन इंडियन फिल्म है। जब से इस फिल्म का ऐलान हुआ है, तब से प्रशंसक इसके अपडेट के लिए उत्सुक है। अब फिल्म के नाम और फर्स्ट लुक से जुड़ा नया अपडेट सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक जूनियर एनटीआर के जन्मदिन के दिन एनटीआर 30 का फर्स्ट लुक और टाइटल रिलीज होने का उम्मीद है। कहा जा रहा है मेकर्स अभिनेता के जन्मदिन पर फिल्म का पहला लुक और शीर्षक सोशल मीडिया पर जारी कर सकते हैं। खबर है कि एनटीआर फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर में खतरनाक अंदाज में नजर आएंगे, हालांकि इस बारे में आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। फैंस को फिल्म में जूनियर एनटीआर का डबल रोल देखने को मिल सकता है। फिल्म में अभिनेता दोहरी भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे, जो एक पिता और पुत्र की होगी। फिल्म की कहानी एक मछुआरे समुदाय के जीवन पर आधारित होगी, जब एनटीआर शक्तिशाली व्यक्ति के तौर पर अपने समुदाय की रक्षा करेंगे। फिल्म का निर्देशन कोराताला शिवा कर रहे हैं। जनता गैराज के ब्लॉकबस्टर होने के बाद एनटीआर और शिवा का यह दूसरा फिल्म होगा जिसमें यह एक साथ काम करेंगे। फिल्म में बॉलीवुड अभिनेत्री जाह्नवी कपूर भी मुख्य भूमिका निभाती नजर आएंगी। इसके जरिए अभिनेत्री अपना साउथ डेब्यू करने के लिए तैयार हैं। वहीं फिल्म में बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान भी नजर आएंगे। RRR के दमदार सफलता के बाद अब जूनियर एनटीआर इस फिल्म के जरिए फैंस का दिल जीतने के लिए आ रहे हैं। यह एक अखिल भारतीय फिल्म होगी, यानी यह देश भर में तमिल, तेलुगु और अन्य साउथ भाषा समेत हिंदी में रिलीज होगी। इसके बाद अभिनेता के पास निर्देशक प्रशांत नील के साथ एक एक्शन फिल्म है। वहीं निर्देशक वेत्री मारन ने भी अभिनेता के साथ काम करने की अफवाहों की पुष्टि की। उन्होंने कहा, प्रोजेक्ट बनेगा जरूर, लेकिन इसमें समय लगेगा।